सोडा सोडा की कितनी वैल्यू है हमारी जिंदगी। सबसे पहले जैसे भी बासित भाई ने कहा, लेकिन तीन तरह का सोडा होता है, वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है और बेकिंग पाउडर है। इनमें थोड़ा सा फर्क है। एक हमारे होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो हमारा बेकिंग सोडा होता है। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, इसको माइल्ड करते हैं तो बेकिंग पाउडर बनता है। अच्छा। और जरा सी जैसे उसके अंदर कहना चाहिए इसकी पावर में या तेजी में फर्क होता है। अच्छा। वॉशिंग सोडा जो है हम फेस पे नहीं लगा सकते। हाँ। उससे हम बर्तन साफ कर सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, कालीन साफ कर सकते हैं, लेकिन उसको हम बालों पे या चेहरे पे नहीं लगा सकते। लेकिन बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो है, इनको जो है हम हर तरह की चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि अगर बेकिंग पाउडर जो है या बेकिंग सोडा रोज़ाना थोड़ा सा पानी में डाल के पिया जाए। अच्छा। और लगाते भी हैं और पीते भी हैं, तो आपकी बॉडी का पीएच हमेशा नॉर्मल रहता है और बहुत सारे जॉइंट की जो प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियाँ हैं, जोड़ों मुझे प्रॉब्लम हुई थी, ये सब चीज़ें, हाँ बिल्कुल, ये सब बैलेंस रहते हैं। और कितना पीना चाहिए पानी में? बहुत थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून, एक पूरे ग्लास के अंदर 1/4 टीस्पून या 1 पिंच जो है वो डाल के बस दिन में एक दफ़ा पिया जाता है। अच्छा। और इसी तरह से इसको फेस पे लगाते हैं तो कभी भी आपका जो स्किन का पीएच है वो कभी अप एंड डाउन नहीं होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। क्या आप स्किन पे कैसे लगाएं, लाइक मूड होने के बाद? उसमें सिर्फ आपने, मैं पहले भी एक दफा शो में बता चुकी हूँ, आपने एक पानी की बॉटल लिया, रोज वाटर लिया, उसमें बेकिंग पाउडर डाला, पिंच बस, उसको बना के रख लिया, बस स्प्रे आपने दिन में एक दफा कर लिया, दो दफा कर लिया, तो आपका पीएच लेवल बेहतर रहेगा, तो दाने नहीं निकलेंगे, स्किन का ऑयल कंट्रोल रहेगा, पोर्स ओपन नहीं होंगे, स्किन फ्लेकी नहीं होगी, मतलब हर चीज बैलेंस रहेगी। अच्छा।